देख रहे हैं एसकेके न्यूज। एसकेके न्यूज में आपका स्वागत है, मैं अंजलि। दिन भर की बड़ी खबरों के साथ एसकेके न्यूज पर देखें समस्तीपुर की खबरें। समस्तीपुर विभूतिपुर। भारत का छात्र फेडरेशन एसएफआई विभूतिपुर अंचल कमेटी के द्वारा डीवीकेएन कॉलेज नरहन में छात्र संघ चुनाव में एसएफआई के पैनल जीते उम्मीदवार की ओर से कॉलेज गेट से होते हुए एक विजय जुलूस निकाला, जो भगत सिंह स्मारक पर एक सभा में तब्दील हो गई। सभा की अध्यक्षता एसएफआई के प्रखंड अध्यक्ष राघवेंद्र कुमार ने किया। सभा को संबोधित करते हुए एसएफआई के पूर्व जिला मंत्री संजय कुमार ने कहा कि छात्र संघ चुनाव में एक तरफ सत्ता का पूरा ताकत था तो दूसरी तरफ छात्रों के लिए किया गया एसएफआई का संघर्ष, जिसमें इन कॉलेज के विद्यार्थियों ने अपने एसएफआई के संघर्षशील नेताओं के पक्ष में वोट देकर एसएफआई के सभी उम्मीदवार अध्यक्ष सौरभ कुमार, उपाध्यक्ष आयुष प्रियम, महासचिव अंकित कुमार, संयुक्त सचिव राहुल कुमार, कोषाध्यक्ष सरवन कुमार, काउंसिल मेंबर बाबुल राजा, कंचन कुमारी, सोनी कुमारी, अभिषेक कुमार, अनुराग कुमार आदि को जीत दिलाई। एसएफआई के पूर्व अंचल मंत्री घनश्याम राय, पूर्व छात्र नेता अरविंद कुमार दास, छोटन सहनी, जिला अध्यक्ष अवनीश कुमार, अंचल मंत्री सूरज कुमार, वीरेंद्र कुमार, प्रदीप कुमार, संदीप कुमार, तारा बाबू आदि ने बधाई दिया। सभा को संबोधित करते हुए जिला मंत्री संतोष कुमार सेंटू ने सभी साथियों को जीत की बधाई देते हुए कहा कि सभी उम्मीदवार एसएफआई के कार्यकर्ता हैं, कोई भी उम्मीदवार किसी भी राजनीतिक दल के नहीं है। जिस तरह से एसएफआई इस महाविद्यालय के कैंपस के अंदर संघर्ष किया है, उसी प्रकार आगे भी संघर्ष करते रहेंगे। भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसते हुए कॉलेज को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। यह विजय जुलूस खोकसाहा ब्लॉक सिंगिया घाट होते हुए वीर सहिया में समाप्त हुआ। समस्तीपुर से रंजीत कुमार की रिपोर्ट।